निगम में अगर मेयर बनता हूँ तो निश्चित ही हाउस टैक्स वाटर टैक्स को आधा कराऊंगा और हर उस व्यक्ति तक पहुँचूंगा जिसका कि मकान है दुकान। जैसे मेरा एक सपना था, मैंने कई बार मेयर साहब से कहा कि यहाँ एक प्रेस क्लब बनना चाहिए। देखिए, अगर मुझे मेयर बनाया जाता मैं दो लेबर कॉलोनीज बनाऊंगा और वो लेबर कॉलोनीज ही हूँ। और एक ग्लास टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनना चाहिए जहाँ हम नई नई टेक्निक उसमें लेकर के आए। देखिए, बिजली पानी सड़क के अलावा मैं सबसे ज़्यादा हरियाली के लिए यहाँ तरसता हूँ। मैं सोचता हूँ कम से कम यहाँ 4 से 5 गार्डन्स होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी बता दूँ, मैं व्यापारी समाज से जुड़ा हूँ, मैं अपनी कमी पहले कहूँगा। हमारी आदत नहीं सुधरती, हमारी दुकान होती हुई भी हम उसके आगे सामान लगा देते हैं। तो मैं तो चाहूँगा निगम की तरफ से कम मैं 10 स्कूल हूँ। अगर मेयर का टिकट भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, तो मैं अगर ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए 70 स्वच्छाग्रहियों के साथ काम करूंगा और प्रत्येक वार्ड में जागरूक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के इस मंच पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक महापौर पद के आवेदक श्रीमान नितेश अग्रवाल जैन साहब से। सबसे पहले तो नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। नितेश जी, हमने कई सारे इंटरव्यू अपने स्टूडियो में किए जिसमें लोगों ने ये बताया कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, और कई सारी कसौटियाँ वहाँ पर निकल कर आई हमारे सामने जिन पर एक नेता को खरा उतरना चाहिए। फिरोजाबाद में चूँकि नगर निकाय के चुनाव हैं और आप आवेदक हैं, एक महापौर का जो पद होता है वो एक बहुत ही एक गरिमा वाला भी पद होता है और एक जिम्मेदारी वाला भी पद होता है। शहर के प्रथम नागरिक हैं, अगर आप महापौर बनते हैं तो आप शहर के प्रथम नागरिक होंगे। तो प्रथम नागरिक होने के बाद आपके क्या क्या दायित्व होंगे? देखिए, मैं शहर का प्रथम नागरिक हूँगा, लेकिन मैं अपनी सोच अंत्योदय के माध्यम से अंतिम नागरिक की सोच रखूँगा जी। क्योंकि देखिए, जब तक मैं उस अंतिम नागरिक की सोच नहीं रखूँगा ना, जब तक मैं मेयर पद से न्याय नहीं कर पाऊँगा जी। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति जो आम लोगों में रहता हो, सड़क पे रहता हो, जिसको आम व्यक्ति का दर्द मालूम हो, वो महापौर के लिए उपयुक्त व्यक्ति हो। क्योंकि आप तो जानते हैं कि दैनिक जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो तो अपनी बात बहुत आसानी से कह देते हैं और जनप्रतिनिधि उनका काम बहुत आसानी से कर देते हैं जी। लेकिन जिन लोगों की पहुँच नहीं होती, जो अपनी बात कहने के सक्षम नहीं होते, अगर हम उनका काम करते हैं तो फिर आप निश्चित मानिए कि महापौर के लायक जी। और महापौर हमारे बीच का व्यक्ति है और उम्मीद होती है कि भाई अगर हमारा कोई काम है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, या हमारी दिक्कत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली पानी सड़क लाइट की दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा सीवर की दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के लिए क्या है ना, व्यक्ति तिलमिला उठता है। और वो पहुँच अगर हम उसका अगर समाधान आसानी से कर सकते हैं तो निश्चित ही महापौर के पद के लिए हम लोग पॉजिटिव हैं। चलिए, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप, जो लोग हमारे दर्शक आपको नहीं जानते हैं, आप एक बार अपना परिचय उन्हें दें। जी, मैं नितेश अग्रवाल जैन, मैं आपके फिरोजाबाद का एक बेटा हूँ और मैंने बचपन से ही समाज सेवा में मेरा इंटरेस्ट रहा है और राजनीति और समाज सेवा को मैंने सामान्य रूप से जिया है। और मैं कला में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखता हूं और मैं चाहता हूं व्यक्ति अगर कला और संगीत से जुड़ा रहेगा तो निश्चित ही युवा बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और रक्तदान जैसी रेड क्रॉस अन्य संस्थाओं से मैंने बहुत काम किया है और आप लोगों के समर्थन से ही काम किया है। और आप प्राचीन तीर्थ क्षेत्र जो आज चंद्रवाड़ है, चाहे वो प्राचीन जैन मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, मेरा सपना रहा है वहाँ का विकास, और मैंने बहुत कुछ काम आप सबके और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराए हैं। और उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि फिरोजाबाद का मैं विकास करा सकूं। तो नितेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने रेड क्रॉस के माध्यम से और तमाम संस्थाओं के माध्यम से आपने रक्तदान किया, यानी कि आप में शुरू से ही सेवा का भाव रहा है। आपको पता है कि नगर निगम के क्षेत्र में कितनी जनता है जिसकी आप सेवा करनी है? लगभग 540,000 वोट है नगर निगम का जी, जो कि मेयर बनाएगा, और उनके परिवार को मिला के लगभग 8-9 लाख वोट टोटल जनसंख्या है जी। 70 वार्ड हैं निगम में और लगभग मेरे ख्याल से निगम के कर्मचारियों की संख्या भी 7,000 के आसपास होगी जी। सबके साथ मिलके काम करें।
कई बार अभी आरोप लगे, कई लोग यहाँ पर आए जिन्होंने कहा कि निगम में सामंजस्य की वजह से काम नहीं हो पाता है, मेयर का कर्मचारियों के साथ सामंजस्य नहीं है और अधिकारियों के साथ सामंजस्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सामंजस्य रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या उनमें कमी रही जो आप नहीं करेंगे? देखिए, एक पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें जिनसे काम लेना है उनके प्रति उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो हम अपने परिवार की तरह उन्हें डील कर रहे हैं जी। जिस दिन हमें ये करना सीख जाएंगे उस दिन बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। पॉजिटिव होना। दूसरा, जिनसे जो काम लेना है वो हमें आना चाहिए। काम हमें किसी अधिकारी से लेना है, हम उसे किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है जो दो डिफरेंस जो होते हैं ना, वहाँ दिक्कत आती है। क्योंकि नगर निगम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इस टाइम में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हूँ जी, और मैंने देखा भी और कुछ प्रयोग करवाने की कोशिश भी की, तो मैंने पॉजिटिवली आज भी मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है वहाँ, और जिस भी अगर जागरूकता के लिए उन्होंने मुझे बुलाया मैं उपस्थित रहा हूँ। ये कमी मैंने थोड़ी सी देखी है कि मेयर, नगर आयुक्त प्लस जो कर्मचारी हैं उनका अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा और उनको लगेगा कि ये काम हमें करना है तो निश्चित ही काम बढ़ेगा आगे जी। एक आपने जो अपना वो दिया आवेदन, उसमें आपने कुछ काम लिखे थे अपने बारे में, आपने बताए कि एक बार मैं उसको एक बार रिवाइज कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने आपने लिखा कि आपने मोबाइल ब्लड बैंक की स्थापना की, आप लिखा कि 300 से ज़्यादा लोगों को आपने रक्तदान कराया है, आपने 70 से अधिक बार स्वयं भी रक्तदान किया है, तो रक्तदान के लिए इतना प्रेरणा कहाँ से आई? एक छोटी सी घटना हुई थी, मेरे मित्र थे अविनाश जैन जी, तो उस टाइम यहाँ बदामन का जो हॉस्पिटल चलता था बैजल नर्सिंग होम जी, तो वहाँ क्या हुआ, एक पेशेंट थी शुकावाती, उनके दो बच्चे हुए थे जुड़वा, उनकी डेथ हो गई थी और ब्लड की ज़रूरत थी, तो मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन किया। जब तक तो मैं बहुत लापरवाह था, लेकिन जब मैं जिस कंडीशन में पहुंचा मैं उनकी हालत देख के पागल हो गया, और फिर मैंने उस दिन से प्रण लिया, उस दिन मैंने भी ब्लड रक्तदान किया, मैंने पूरा प्रण लिया कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगा। उस टाइम मैंने रोटरैक्ट क्लब में मैं था, तो रोटरैक्ट क्लब के माध्यम से मैंने इसको आगे बढ़ाया और बहुत सारे हमारे जो सदस्य थे उन्होंने सहयोग किया जी। उस 2000 के सन के आसपास तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय भी हमने महिलाओं को बहुत रक्तदान कराया, महिलाओं ने बहुत ज़्यादा रक्तदान किया हमारे जो क्लब के मेंबर से, जब तो आप इसमें पुरुष रक्तदान करने के लिए तैयार नहीं होते थे, उस टाइम हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया इसके लिए। अच्छा, चलिए, आपने बताया कि आप स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, अभी आपने कहा अभी भी हैं। अच्छा, तो फिरोजाबाद में ये बात आती है कि जो साफ सफाई है, स्वच्छता है, वो उतनी नहीं है, नगर निगम ने उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। नहीं, ये एक बात आपसे कहूँ, अभी निगम का ये प्रथम वाला 5 वर्ष है जी, उन्हें अभी लोगों को आदत डलवानी है स्वच्छता के प्रति। एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमें खुद स्वच्छता के प्रति जागरूक होना है, यहाँ के नागरिकों को जी, परिवारों को। जब तक वो जागरूक होंगे जब तक हम मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो अवेयरनेस में हम लोग लगातार। तो ब्रांड एम्बेसडर होते हुए आपने कितना अवेयरनेस का काम किया? देखिए, जहाँ जहाँ नगर निगम ने उपस्थिति की वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ वार्डों में भी गया और वहाँ मैंने जागरूक भी किया। इसमें एक छोटी सी त्रुटि भी थी, मेरे दिल की बात ये थी कि ऐसा है, मैंने जब पढ़ा तो स्वेच्छाग्रही बनाए जाते हैं, तो 70 स्वेच्छाग्रही में महिला पुरुष बनाना चाहता था हर एक वार्ड के लिए, जो कि जागरूक कर सके और व्यवस्थाओं में लगे थे, क्योंकि ये मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे पास टीम होनी चाहिए, लेकिन किसी कारण में सभी वो नहीं हो पाया है। आने वाले टाइम में अगर मेयर का टिकट भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, तो मैं अगर ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए 70 स्वेच्छाग्रहियों के साथ काम करूँगा और प्रत्येक वार्ड में जागरूकता करूँगा जी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कैमरे के सामने। डॉक्टर मयंक भटनागर भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने हमसे बोला कैमरे पे, जब हमारा नेता कैसा हो मैं हमने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि मैं भी ब्रांड एम्बेसडर था और मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ कि मैंने उतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था फिरोजाबाद के लिए। खैर, आपने लिखा कि आपने यमुना निगरानी समिति में काम किया, तो फिरोजाबाद में एकमात्र नदी है यमुना, ईश्वर की देन से और भगवान कृष्ण की वो यमुना जिसमें वो बचपन से खेले पड़े, तो आपको
क्या लगता है कि हमें वो हमारे लिए फिरोजाबाद के लिए एक वरदान है जिसे हमें सही जो के रखना चाहिए था? फिरोजाबाद के लिए वरदान क्या है? फिरोजाबाद का नाम भी जो था पुराना चंद्रनगर, जो भविष्य में हम लोग चाहते हैं होगा, वो चंद्रवाड़ जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने उसे बसाया था, हरिवंश पुराण में उसका जिक्र आया है, वो यमुना नदी के किनारे है जी। और साहब हम तो चाहेंगे कि वो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र बने और यमुना बहुत शुद्ध बहे हमारे यहाँ से, उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हमने एक काम किया भी है, कई NGOs के माध्यम से और यमुना जागरण समिति के माध्यम से काम किया है कि जिस दिन से गणेश विसर्जन जो भव्य रूप में हुआ है तो हम लोगों ने कुंड खुदवाए हैं चंदवाड़ के पास वैकल्पिक, और गणेश विसर्जन हम लोग उन्हीं कुंडों पर करवाते हैं। अच्छा, वो हमारी पूरी टीम है 31 लोगों की जो कि शासन के द्वारा ही चुनी गई है, वो पूरी टीम हमारा सहयोग कर रही है। जैन साहब, फिरोजाबाद को चूंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक नगरी है, तो उद्योग के अलावा यहाँ किस तरीके से हम लोगों की जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं? देखिए, आय हम लोग बढ़ा सकते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इन दो लोगों को मानसिक चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारी आय जो है जी वो खर्चा ज़्यादा है, आय कम है। मैंने तो प्रस्ताव दिया हुआ है कि एक कम से कम आज़ादी के बाद और सिंगल लेबर कॉलोनी है, अगर मुझे मेयर बनाया जाता मैं दो लेबर कॉलोनीज बनाऊंगा और वो लेबर कॉलोनीज ही होंगी, उद्योगपति नहीं रहेंगे उसमें। और उनसे क्या होगा कि दो फायदे होंगे कि वहाँ जो सुविधाएँ मिलेंगी, जिन सुविधाएँ के लिए हमारे गरीब मजदूर को भटकना पड़ता है, अन्य आय से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वहाँ सुविधाएँ मिलेंगी तो निश्चित सी बात है। और आय से संबंधित क्या है कि हम एक बात और कहते हैं कि फिरोजाबाद में आय की कमी नहीं है, ये एक ऐसा नगर है, औद्योगिक नगर है, जहाँ पर महिला भी पुरुष के साथ बराबर से काम करती है, चाहे जुड़ाई का काम करती हो, चाहे चूड़ी पे केमिकल लगाने का काम करती हो, नग का काम करती हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उसे उतना पैसा मिलना चाहिए जितना उसकी मेहनत है जी। ये भी एक सवाल निकल कर आता है कि यहाँ जो श्रमिक हैं जो कारखाने में काम करते हैं या चूड़ी का काम करते हैं, तो उनको उतना उनका परिश्रम नहीं मिल पाता, उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि श्रमिक जो है ना वो बहुत सीधा है, वो सबसे पहले सुबह उठता है तो उसको ये लगता है कि शाम के खाने की चिंता होती है। और जितनी भी सरकारी जो योजनाएं अभी तक हमारे कांच के श्रमिक के लिए नहीं बनी है, वो एक श्रमिक के लिए बननी चाहिए, उनका सारा रजिस्टर्ड और बायोडाटा बनना चाहिए कि ये श्रमिक इस काम के लिए है, इसकी इतनी आय निर्धारित करनी चाहिए, चाहे वो ग्लास के काम से हो या चूड़ी के काम से हो, अगर वो हम निर्धारित कर देते हैं तो ये बहुत आसानी होगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो अपनी रोटी के लिए सबसे पहले भागता हो उसके लिए कौन लड़ता है? तो इसमें आप किसकी कमी मानते हैं, श्रमिक की कमी है या व्यापारी की कमी है जो जो उद्योग चला रहा है उसकी कमी है, या प्रशासन की कमी है, या फिर जो नेतृत्व कर रहे हैं आप जैसे लोग उनकी कमी है? देखिए, नेतृत्व करने वाले की कमी मैं इसलिए नहीं कहूँगा, अगर वो अगर इसमें हस्तक्षेप करता है तो निश्चित सी बात है जो उनकी यूनियंस हैं, जो लेबर यूनियंस हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट पे कर लेंगी। मैं तो ये मानता हूँ जो कारखाने हैं उनके मालिक को एक सामाजिक व्यवस्था के तहत उनको लिस्टेड कराना चाहिए, कौन सा उनका कारीगर किस योग्य है और उसको वो क्या इनकम दे रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी बेसिक ज़रूरत है जैसे फर्स्ट एड है उनके कारखानों में उपलब्ध होनी चाहिए, उनके लैट्रिन बाथरूम की बढ़िया व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, उनके ड्रेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वे एक स्टैंडर्ड जब बढ़ता है ना तो फिर आय भी बढ़ती है, निश्चित बात है, ललक भी बढ़ती है, काम आज जो प्रोडक्शन उनका जब ही बढ़ेगा जब वो अपने मजदूर को खुश रखेंगे। ठीक, तो चलिए, आपने इसमें लिखा कि आपका जो प्रतिष्ठान है वो भी चूड़ी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि चूड़ी व्यवसायियों के लिए फिरोजाबाद में क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी फिरोजाबाद में रहता है वो कहीं ना कहीं चूड़ी व्यवसाय से जरूर जुड़ा हुआ है। हमें ब्रांड करना नहीं आता, मैं बहुत दिन से एक प्रयासरत लगा हुआ हूँ कि फिरोजाबाद को ग्लास एक्रोमार्ट की स्थापना होनी चाहिए जहाँ हम अपना ब्रांड प्रदर्शित कर सकें, चाहे वो ग्लास से संबंधित हो, चाहे चूड़ी से संबंधित हो, या अन्य कांच की वस्तुओं से संबंधित हो। अगर यहाँ ग्लास एक्सप्रोमार्ट कहीं भी लखनऊ एक्सप्रेस वे मार्ग के आसपास बन जावे, और एक ग्लास टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनना चाहिए जहाँ हम नई नई टेक्निक उसमें लेकर के आएँ, चूड़ी में भी लेकर के आएँ, ग्लास में भी लेकर के आएँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, उससे हम लोगों का विकास होगा। फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री है लेकिन फिर भी यहाँ कांच से संबंधित कोई भी अनुसंधान केंद्र नहीं, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। हाँ भाई, इसकी कमी खलती है? बिल्कुल खलती है सर,
कमी खलती है और इसको सांसद जी को और साथ में हमारे जो विधायक जी हैं इनको प्रयास करके इसका निर्माण कराना चाहिए। चलिए फिरोजाबाद में आप क्या क्या कमियां देखते हैं, अगर आप महापौर बनते हैं तो उनको पूरा करेंगे? देखिए बिजली पानी सड़क के अलावा मैं सबसे ज़्यादा हरियाली के लिए यहाँ तरसता हूँ। मैं सोचता हूँ कम से कम यहाँ 4 से 5 गार्डन्स होनी चाहिए बच्चे महिलाओं के खेलने के लिए। और सबसे बड़ी युवाओं के डेवलपमेंट के लिए क्या है कि खेल के संबंधित बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कराटे में रहा हूँ, मैंने कराटे में ब्लू बेल्ट रहा हूँ, कई प्रतियोगिताएँ जीती हैं मैंने। तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ बच्चों के विकास के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। स्टेडियम है एक यहाँ, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे स्विमिंग पूल्स यहाँ गवर्नमेंट के बनने चाहिए, टेनिस कोर्ट के ही बनने चाहिए, एक यहाँ खेल एकेडमी भी बननी चाहिए सर। खेल एकेडमी की बहुत आवश्यकता है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक हमारा युवा खेल कूद और इन सब चीज़ों में नहीं आएगा तो दिक्कत है। यहाँ एक स्टेडियम है लेकिन अक्सर बच्चे कहते हैं कि वहाँ घुसने नहीं दिया जाता। सब स्टेडियम है लेकिन घुसने नहीं दिया जाता, थोड़ा सा स्टेडियम के अलावा भी बहुत सारे और खेलकूद के मैदान हैं लेकिन वहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं कोच वगैरह नहीं है। अच्छा, तो स्टेडियम है लेकिन कोच नहीं है, तो वो किसकी कमी मानते हैं? वो कमी देखिए दोनों तरफ से है। हम तो ये चाहेंगे स्कूल्स वगैरह अपने कार्यक्रम वहाँ पे रखें, लोगों को जाना सीखना चाहिए। जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं तो वहाँ कमी के बारे में पता नहीं लगेगा और फिर क्या होता है कि वो फिर निष्क्रियता आ जाती है। किसी भी विभाग में है उसके लिए जागरूकता अहम आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, फिरोजाबाद में आपको क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में, चूंकि पहली बार नगर निगम बना तो कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, उसको हम एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 5 वर्षों में कौन से ऐसे कार्य जो हुए नहीं और होने चाहिए थे या होना बहुत जरूरी थे? सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता जी। क्या है, जब अच्छी गुणवत्ता से काम अगर होता है ना तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक स्टैंड रहती है। गुणवत्ता की कमी दिखी, थोड़ी सी योजना बनाने की भी कमी दिखी, या ये कह लीजिए मेयर साहब का भी पहला कार्यकाल था, उम्र भी कम है, उनको भी सोचने समझने में समय लगा। और क्या है, जब हम अच्छी योजना बनाते हैं तो फिर काम को आगे तक ले जाते हैं। जैसे मेरा एक सपना था, मैंने कई बार मेयर साहब से कहा कि यहाँ एक प्रेस क्लब बनना चाहिए। देखिए पत्रकार लोग मिडिल क्लास होते हैं और वो शौक़ के लिए करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल पर तेल भी खर्च होता है, उनका इंश्योरेंस भी हम चाहते हैं नगर निगम से हो जाए कम से कम, क्योंकि कैमरा जो लेकर के भागता है जाने कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और हमेशा असुरक्षित रहता है, उसको किसी को इंटरव्यू लेना होता है, हर किसी के पास जगह नहीं होती है। तो मैंने कहा था रामचंद पालीवाल के बगल में पहले हमारा रोटरी बाल उद्यान था, मैंने कहा यहाँ प्रेस क्लब आप खुलवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और सब लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलेगा। फिरोजाबाद में एक जाम बहुत बड़ी समस्या है, जिससे भी हमने बात की उसने यही कहा कि यहाँ की जो सबसे मूल समस्या है वो जाम की समस्या है। सड़कें छोटी हैं और जनसंख्या ज़्यादा है, वाहन ज़्यादा हैं, तो जाम की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं आप? देखिए दो ही हैं, या तो यहाँ वन वे ट्रैफिक हो जाए, दूसरा क्या है जाम की समस्या में चूड़ी के ठेले भी हैं, साथ में एक स्कूल का टाइम भी छूटता है, उस टाइम भी जाम बहुत लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी बता दूँ, मैं व्यापारी समाज से जुड़ा हूँ, मैं अपनी कमी पहले कहूँगा, हमारी आदत नहीं सुधरती, हमारी दुकान होती हुई भी हम उसके आगे सामान लगा देते हैं और फिर अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो फिर हम उसे कोसते हैं। लेकिन अगर हमारा ये सुधार जिस दिन हो जाएगा, अपनी दुकान पे ही अपना सामान लगाना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही सड़कें की कोई कमी नहीं है, सड़कें चौड़ी हैं, गलियों में भी हम यही कंडीशन देखते हैं कि जहाँ पर स्टॉक हैं चूड़ी के वो आगे ठेले लगा देते हैं, फिर एक तरफ अगर ठेले लगाएंगे तो दूसरा रास्ता रहेगा। जाम हम ही लोगों के पीछे से है, हम अगर जागरूक होंगे तो जाम की समस्या सॉल्व होगी। ठीक है, तो जागरूक करने के लिए अगर आप महापौर बनते हैं तो क्या करेंगे? देखिए मैं तो एक तो लाइनिंग्स की व्यवस्था करूंगा हर रोड पे, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट की वाइट रंग की लाइन खिंचवा करके। दूसरा क्या है कि आपने आजकल देखे होंगे रिंग रोड्स बनते हैं ज्यादातर घूम करके आने वाले, जहाँ पे भी छोट चौराहे हैं वहाँ रिंग रोड्स के रूप में मैं दूंगा, जिससे जाम से निजात मिल सकती है। और तीसरा अगर जहाँ ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ की व्यवस्था है तो वहाँ वन वे कराने का प्रयास करेंगे, वन वे होने से बहुत सारी सुविधाएं दूर, थोड़ी दिन दिक्कत होगी लेकिन जब किसी चीज़ अगर हमारी आदत में आ जाती है तो फिर वो आदत में आ ही जाती है। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है,
लेकिन अक्सर लोगों का ये आरोप रहा कि स्मार्ट दिखता नहीं है, कैसे दिख सकता है? दिखे, दिखेगा, दिखेगा। कितना समय और चाहिए? 5 साल चाहिए, जिससे मैं अपने मन में ढाल लूंगा कि मेरा फिरोजाबाद बहुत अच्छा है, इसे मुझे अच्छे से रखना है, मुझे कूड़ा है ना गीला सूखा अलग अलग करके देना है। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि मैं अगर अपना मकान बनवा रहा हूँ तो नाली के लिए जगह छोड़नी है, नाली से आगे मुझे नहीं बनाना है, मुझे अतिक्रमण नहीं करना है, उस दिन ये अपने आप स्मार्ट सिटी देखेगा। इंदौर देखा है ना, इंदौर का नागरिक जागरूक है इसलिए स्मार्ट सिटी देखता है वो। स्मार्ट सिटी कोई वहाँ के नगर निगम के लोग स्मार्ट सिटी नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ का नागरिक जागरूक है। जिस दिन यहाँ का नागरिक जागरूक हो जाएगा, हाँ फिर अगर हम जागरूक हैं ना तो हम काम कराना भी जानते हैं। अगर हम अपनी जगह सही हैं तो हम अधिकार से कह सकते हैं, हम अगर हाउस टैक्स वाटर टैक्स समय पर दे रहे हैं तो अधिकार से कह सकते हैं। अब है क्या कि यहाँ भी मैंने यही कंडीशन देखी है कि देने वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में हाउस टैक्स वाटर टैक्स दे रहे हैं, बाकी लोग यहाँ देते ही नहीं। उन लोगों तक भी नगर निगम को पहुँचना चाहिए, हाउस टैक्स वाटर टैक्स आधा कर दो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग ज़्यादा लोगों से लें लेकिन क्या है, यहाँ हाउस टैक्स वाटर टैक्स लगाया हुआ है आगरा और लखनऊ के हिसाब से, तो उसमें भी थोड़ी अगर मैं बनता हूँ तो निगम में अगर मेयर बनता हूँ तो निश्चित ही हाउस टैक्स वाटर टैक्स को आधा कराऊँगा और हर उस व्यक्ति तक पहुँचूँगा जिसका कि मकान है दुकान। चलिए, आरोपी ये लगता है कि जैसे जहाँ आवश्यकता थी वहाँ काम नहीं हुए और जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ सड़कें एक के ऊपर एक बनती चली गई। देखिए, आवश्यकता क्या है कि आपको चिल्लाना आना चाहिए, आज के ज़माने में लोकतंत्र है, जहाँ के पार्षद लोग जो थे वो मेयर साहब के करीबी थे, उन्होंने आसानी से अपने काम करा लिए। जहाँ के मेयर अगर दूसरी पार्टी से होंगे, दूसरे से होंगे या वो काम कराना नहीं जानते, तो मैं बहुत सच्चाई से कह रहा हूँ वो लोग काम नहीं करा पाए, लेकिन जो मेयर के करीबी थे ज़्यादातर लोगों का कहना है उन्होंने अपने यहाँ पूरे काम कराए। लेकिन फिर भी मैंने जहाँ जहाँ सर्वे किया, मुस्लिम क्षेत्रों में भी सर्वे किया है, वहाँ भी बहुत काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत काम हुए हैं, लेकिन जहाँ अभी 13 ग्राम सभाएँ हैं वहाँ काम कम हुआ है, लेकिन अगले 5 साल में अच्छे से होगा काम। 13 ग्राम सभाएँ जोड़ी गई नगर निगम में, तो आरोप ये भी है कि जो नगर निगम क्षेत्र में जो नई नई ग्राम सभाएं जुड़ी गई हैं, ग्राम सभाओं में तो काम हुआ ही नहीं और उनसे टैक्स वसूला जाता है, तो वो टैक्स इसलिए देने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई विकास नहीं दिखता उनको, तो इस पर क्या होना चाहिए? इस पर आगे जो अभी जो नया सत्र आएगा 5 साल, मैं हूँ या कोई भी मेयर होगा निश्चित ही ध्यान देगा और उन क्षेत्रों में भी काम होनी चाहिए, वो भी हमारा फिरोजाबाद है। ठीक है, सफाई, पानी और के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित क्या योजनाएं आपने सोची हैं अगर आप महापौर बनते हैं तो? देखिए, अभी एक आंदोलन चल रहा था CBSE जो है ना, तो मैं तो चाहूँगा निगम की तरफ से कम मैं 10 स्कूल खोलूँगा जी, क्योंकि निगम के जहाँ निगम होता है वहाँ CBSE भी स्कूल खोलने का प्रावधान है, 10 स्कूल कम से कम खोलूंगा जहाँ मिडिल क्लास आराम से पढ़ाई कर सके। ऐसा नहीं हो कि आज जो स्कूल कॉल खुले हुए हैं वहाँ की फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ एक मध्यम वर्गीय भी व्यक्ति पढ़ाने में हिचकिचाता है। दूसरा मैंने कहा था, एक तो ये स्कूलों का हो गया ना, दूसरा पर्यटन से संबंधित भी मैं करूँगा, तीसरा मैं और सीमा का थोड़ा सा विकास करूँगा, जो सीमा भी है 13 ग्राम सभा के अलावा जो आसपास यहाँ पर ज़्यादा आबादी हो गई है और जो बाकी निगम की ज़रूरत है उन ग्राम सभाओं को मैं निगम में शामिल कराऊंगा। पर्यटन की आपने बात की, ये एक बहुत अच्छी बात है कि फिरोजाबाद को अगर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, उससे कई सारे रोजगार भी पैदा हो सकते हैं और उससे सौंदर्यीकरण फिरोजाबाद का होगा, लोग दूर दूर से जानेंगे, हालांकि आज भी जानते हैं चूड़ी के नाम से, लेकिन जो पर्यटन की जब बात होगी तो बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर अपने आप हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्यटन का जो मैप आपने तैयार किया है, जो प्लान आपने तैयार किया है, वो कितने हद तक क्या आप कर पाएंगे और क्या अपने कार्यकाल में अगर आप बन जाते हैं तो 5 साल में वो पूरा हो जाएगा? 5 साल में बहुत आसान सी बात है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, ग्लास के लिए बहुत प्रसिद्ध है और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे नज़दीक आगरा है,
मैं आगरा पर्यटन से फिरोजाबाद के लिए जोड़ूंगा। जो आगरा पर्यटक आता है उसको हम ऐसी आकर्षण व्यवस्था में लाएंगे कि वो फिरोजाबाद आए, चाहे वो यहाँ की उद्योग नगरी देखने के लिए आए, चाहे गिलास की चीज़ें खरीदने के लिए आए। और दूसरा आपको बता दूं कि फिरोजाबाद जैन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर हमारे सेठ चनामी लाल जी का है, बहुत प्रसिद्ध है। और जैन आस्था केंद्र जो भी लोग शिखर जी जाते हैं या अन्य स्थानों पर जाते हैं वो फिरोजाबाद होते हुए जाते हैं, तो फिरोजाबाद रुकेंगे। मैं ऐसी व्यवस्थाएँ पर्यटन की करूँगा। दूसरा यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन है। राम जानकी मंदिर है घंटाघर के पास। तो पर्यटन में तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो पर्यटन के लिए तो मैं निरंतर काम करूँगा। और पर्यटक जब आएगा तो फिरोजाबाद की आय भी बढ़ेगी जी। चलिए चलते चलते कोई अंतिम संदेश आप जनता तक देना चाहें। देखिए, अच्छे कामों को दुनिया याद करती है, और पिछले भी अच्छे कामों को दुनिया ने याद किया है। अगर मैं मेयर बनता हूँ तो आप सबके साथ, आप सबको साथ लेकर के, आप सबकी विचार व्यवस्था साथ लेकर के काम करूँगा। निश्चित ही फिरोजाबाद को एक अच्छा सुंदर नगर जो कि भारतवर्ष के नक्शे पे अलग से पहचाना जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये एपिसोड में जैन साहब के द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और आपकी क्या राय है नगर निगम को लेकर या श्रीमान नितेश अग्रवाल जैन साहब को लेकर, आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आगे आप किसका साथ यहाँ पर देखना चाहेंगे, किसके साथ इंटरव्यू देखना पसंद करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतना प्यार हमारे लिए बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब।